अनएम्प्लॉयमेंट रेट राजस्थान के अंदर बढ़कर 32% है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के अंदर जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, आज उसको सिरे पे पूरा घुमा दिया है, आज 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को वो खत्म कैसे करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दिलाकर जिसमें 300 रुपए महीने के मिलेंगे, जो प्रतिदिन माफ कीजिए 300 रुपए प्रतिदिन, 6, 7 और 8 हजार मैक्सिमम प्रति माह ये तनख्वाह मिलने वाली है जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे भी नौकरी मिल रही है। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो के अंदर एम्प्लॉयमेंट की योजना ना लाकर बेरोजगारी की योजना लाती है, उनसे उम्मीद भी नहीं करी जा सकती, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये इनकी योजना थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कमाल कर देंगे हम, जो रोजगार उसको नहीं मिलेगा उसको नौकरी तलाशने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्योंकि नौकरी तो हम ला ही नहीं सकते, ये कांग्रेस की मानसिकता। और भत्ता देंगे उस समय इन्होंने वादा करा, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपको नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा, सरकारी विभाग के अंदर काम करना पड़ेगा, तब आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 3,500 के करीब है बेरोजगारी भत्ता, आने जाने के अंदर अगर पेट्रोल में ज्यादा नहीं लग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको विभाग में काम करने के लिए आना पड़ेगा, और मिलेगा कितना, 3,500 रुपए। ये राजस्थान का मॉडल है शानदार, जिसको पूरे देश के अंदर प्रचलित करना चाहिए, ये गहलोत मॉडल। पूरी की पूरी राजस्थान की युवा पीढ़ी को इन्होंने डुबो दिया, ना विजन है ना काम करने की इच्छा है। और बढ़ोतरी किसकी हुई है आप देखिए, एक परिवार है जिसने आरएएस का पूरा इम्तिहान पास कर लिया, भाई इंटेलिजेंट होंगे, शानदार, क्योंकि यह समझदारी राजस्थान में शायद नहीं है जितनी समझदारी एक परिवार के अंदर है। यह है